हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। उधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट पर बोलते हुए सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि सरकार ने जो बजट पेश किया है वो पूरी तरह से दिखावा है। साथ ही हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कितने घोटाले हुए हैं लेकिन इसकी जांच अभी तक नहीं हुई। साथ ही हुड्डा ने सरकार के वादों को लेकर मंगलवार को प्रोटेस्ट मार्च करने की बात कही, यानी कि आज प्रोटेस्ट मार्च होना है। क्या है और कल भी होनी है, परसों भी होनी है, और जो हमारे साथियों ने बताया है और सब आंकड़े के साथ उसके साथ बताया है, जिस प्रकार से बजट का पहले गुणगान किया जा रहा था उसकी पोल खुल रही है कि बजट में कुछ नहीं है, केवल भाषण भाषण है, तो नीचे धरातल पे कुछ नहीं हो रहा सिवाय एक कर्जा बढ़ाने के सिवाय और कोई काम बजट में नहीं हुआ। मैं जैसे पहले कहा, चार वाक की नीति पे चल रहे हैं, कर्जा लो घी पियो मरने के बाद। हाँ कहा है मुख्यमंत्री ने, कहा मैं जांच कराऊंगा और वो वाकई बड़ा भारी घोटाला है और इस बात से स्वयं मैं जानता हूँ इस बात का। अब मेरे समय में 32 करोड़ का ऑक्शन हुआ था, इसी वास्ते कैंसिल किया गया था और ये अब जो है इसका जांच होनी चाहिए और जांच होकर जो जनहित का फैसला हो, जनहित की तरह हैं जो उठ रहे हैं, जो 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 ये वायदा करके आए हैं लोगों से, जो वायदा करके वोट लेके आए हैं वो ही पूरा करो, यही